मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। देहरादून से पहली खबर है, सपा नेता स्वयं प्रसाद मौर्य के बयान का मामला, और इस मामले में स्वयं प्रसाद मौर्य के बयान की चौतरफा निंदा हो रही है, विरोध हो रहा है। मंदिरों को लेकर स्वयं प्रसाद मौर्य ने बयान दिया था, और बयान को लेकर जो चीजें हैं उस तमाम टिप्पणियां भी अब सामने आने लगी है। मंदिर बौद्ध मठों को तोड़कर बनाए गए हैं, ये कहा था स्वामी प्रसाद मौर्य ने। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ऐसी टिप्पणियां दुर्भाग्यपूर्ण हैं। बद्रीनाथ धाम को भी लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया था, और इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बयान दिया है और प्रतिक्रिया दी, और कहा है कि ऐसे बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान आया है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और वह उस जिस गठबंधन के वो हिस्से हैं, ये स्वाभाविक है कि उनका बयान इस प्रकार का आना ही है, क्योंकि जो हर चीज़ को बांटने पर विश्वास करते हैं और तुष्टिकरण पर विश्वास करते हैं, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन उनके नाम के आगे स्वामी हैं, कम से कम उनको ऐसे बयान देने से पहले सोचना चाहिए। पंकज पवार इस खबर पर जुड़ चुके हैं। पंकज, जब से ये बयान सामने आया है, इस बयान की चौतरफा निंदा हो रही है, और खुद मुख्यमंत्री धामी ने इस पर अपनी टिप्पणी की है। देखिए बिल्कुल, और मुख्यमंत्री ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बैकुंठ, अगर हम उसकी बात करते हैं बद्रीनाथ की, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर संभल कर बोलना चाहिए। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के भू बैकुंठ श्री बद्रीनाथ को लेकर समाजवादी पार्टी के इस नेता ने बयान दिया है, वो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कहा कि ये इन दलों की और इन नेताओं की मानसिकता को दर्शाता है कि ये किस तरीके से सोचते हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारी आस्था का प्रतीक है बद्रीनाथ और केदारनाथ, और ऐसे में इन तमाम जो धर्म के जितने भी इमारतें हैं उनको लेकर इस तरीके से बातें नहीं कहनी चाहिए। और साफ तौर पर उन्होंने जो स्वामी प्रसाद मौर्य है उनके बात को उन्होंने उस पर कंडेम किया है। जी शुक्रिया पंकज जानकारी देने के लिए।